तो भाई यार देख लो क्या ही भाई, मतलब भाई अभी ये एक लेन बन रही है अंकल, इससे सड़क आते कर बह जूंगी फायदा। दुआ पुल भी तैयार होना, मैं कहना तो चलने वाली भी जगह बननी है। मैंने भाई रोपड़ को पूरी क्लैरिटी से नहीं दिखाया किसी को भी भाई, और ना कोई बंदा जिसने रोपड़ को एक्सप्लोर किया होगा पूरी तरह से। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके भाई वाटरफॉल पे, और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ का सीन है, चेक करो भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रक्चर व्लॉग। तो देख लो भाई आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है अपने ब्रिज से, जो कि भाई रोपड़ का नया ब्रिज बनने वाला है, और ये चेक कर लो गाइस। बाकी अभी हम आगे जा रहे हैं मैं और प्रणव। भाई प्रणव आई पता नहीं क्यों कैमरे में आना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, तो जाके यार पूछते हैं इन सबसे भी क्या चल रहा है, पुल का कैसे काम है, कितने दिन में होगा, मतलब कितने दिन कह दिया कितने सालों में होगा। तो भाई मिलते हैं आपको सीधा आगे जाके। तो भाई जरा देख लो क्या ही भाई, मतलब भाई अभी ये एक लेन बन रही है, उसके बाद वहाँ पे भी बनेगी। अब ये आपको दिखा देता हूँ भाई। तो यार ये देखो भाई यहाँ पे भी एक और पुल आने वाला है ये पूरे एरिया में, और ये अभी तैयार हो रहा है ये वाला पुल, ये देख लो। और अभी सोच तो रहे हैं हम कि भाई उस साइड जाए, बट जाए कहाँ से, ये रास्ता नहीं मिल रहा इसका। तो चलते हैं यार देखते हैं कि पूछते हैं इनसे भी। तो भाई यार ये है वो मशीन जिससे भाई ये पूरा पुल खिसका है आगे को, ये चेक करो भाई साहब क्या ही तगड़ी मशीन है ना गाइस। और भाई ये है गुजरात नंबर की, वो चेक करो भाई गुजरात का नंबर है। और ये वाला जो दूसरा पुल है ये भी ऐसे ही खिसकेगा, पहले तो ये सारा तैयार होएगा। भाई यार फाइनली भाई आ चुके इस साइड को, और भाई चलो अंकल उन्होंने से पूछते हैं भाई। देख लो भाई आपका भाई सरीखे पे चल रहा है अभी अंकल, इससे सड़क आते कर बह जूंगी, सड़क आते कर बह जूंगी। अच्छा ओके, फायदा दुआ पुल भी तैयार होना, मैं कहना तो चलने वाली भी जगह बननी है इसते। अच्छा इस साइड सारी चलने वाली है। तो गाइस यार फाइनली हम आ चुके थे घर पे, और अभी निकलने लगे हैं भाई कटली वाली साइड को। मैंने कहा यार पहले आपको ना मतलब बाहर की जगह तो क्या ही एक्सप्लोर करनी, जो अपने रोपड़ रोपड़ से बाहर वाली जगह आपको वो दिखा भी इतनी बार चुका हूँ, बट आज तक मैंने भाई रोपड़ को पूरी क्लैरिटी से नहीं दिखाया किसी को भी भाई, और ना कोई बंदा जिसने रोपड़ को एक्सप्लोर किया होगा पूरी तरह से। तो अभी हम जाने वाले भाई कटली, कटली से आलमपुर, आलमपुर आया हुआ है तनिष, उस पहले हमने पिक करना है कुणाल को। और अभी हमने भाई बाइक लगाई हुई है देख लो कोल्ड स्टार्ट पे, और गाइस इसका फ्यूल भाई देख सकते हो आप रिजर्व पे चल रही है अभी ये, तो पहले इसका फ्यूल अप भी कराते हैं और उसके बाद चलते भाई कटली। कटली से आपको भाई एक चीज़ और दिखाएंगे जो पहले बताएंगे नहीं, नहीं तो भाई सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहता। तो पहले चलते भाई कुणाल को पिक करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई सर निकल रहे हैं अब हम, पहले भाई करते हैं कुणाल को पिक, तो पहले चलते गाइस इसका रिफ्यूल कराते हैं। और गाइस आज आप देख सकते हो भाई मैंने जैकेट तो नहीं डाली, और एक यार इतना सुहाना मौसम हो गया ना भाई साहब, गाइस चेक करो यार आप। तो गाइस पहले यार चलते हैं इसको रिफ्यूल कराते हैं। भाई ये देख रहे हो भाई, मतलब भाई तू थोड़ा सा वेट कर ले भाई, मतलब ना लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि भाई वेट नहीं कोई कर सकता है। तो गाइस भाई टिप्पर से बच के, और गाइस मेरे को ना आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरे को भाई डांट भी पड़ चुकी है घर से, क्योंकि भाई मैंने पिछले व्लॉग में ना आई थिंक पिछले व्लॉग में मैंने बाइक कटिंग की थी जो कि लेफ्ट साइड से की थी ट्रक के, तो यार उस पर बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। पापा कहते हैं भाई तू कटिंग वगैरह करता है ये है वो है, यार अब से भाई कोई रफ ड्राइविंग भी नहीं करेंगे हम। तो गाइस पहले भाई इसका रिफ्यूल कराते हैं। तो गाइस यार हमने भाई रिफ्यूल करा लिया है अभी, तो यार 200 का ही कराया सीधा ही बोलूँ तो। और गाइस जितनी अभी सुई देख रहे हो ना ये अभी कम हो जाएगी एक ही गेड़ी में। तो गाइस यार अभी रौन के चेक कर लो भाई, और गाइस अब जाने वाले भाई हम कटली वाली साइड को घूमने। तो भाई आपको ना वहाँ पे भाई सुंदर सुंदर पहाड़ वाली जगह दिखाऊंगा, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर है ना वो जगह कि भाई मेरी तो देखो गाइस फेवरेट है वो जगह, क्योंकि ना यार वहाँ पे लाइक नहर, इस साइड को नहर और इस साइड को सारे पेड़ ही पेड़ वाले रास्ते। और गाइस ये ना अभी दो दिन पहले, ये देखो गाइस कि भाई अपनी जगह पे नहीं चल सकता ये बंदा इतनी जल्दी है इसको। और गाइस ये है यहाँ का भाई NCC ट्रेनिंग स्कूल, और भाई खड्डे
गाइस तो मैंने आपको भाई पीछे दिखाई दिया है कि भाई हाँ जो यहाँ पे लगा हुआ है तो गड्डी खड़ाई दे ओ माय गॉड चल पहुंच। तो गाइस और फाइनली हम भाई तनीष को गुड बाय कह चुके हैं क्योंकि भाई उसने जाना था घर पे, तो अभी हम भाई है चुके हैं हेड के बैक साइड पे क्योंकि कटली का रास्ता जाता है, तो भाई सेंट कार्मल स्कूल भी इसी साइड है। और गाइस आपको भाई जो ये फॉरेस्ट है हमारे साथ में और राइट साइड पे फॉरेस्ट दिख रहा है भाई, आपको इसके दर्शन तो हमने कराई दिए थे पिछले व्लॉग में ऑफ रोडिंग पे, तो हमारी भाई बाइक वहाँ पे ना पौड़ियों में हमने मतलब मेन था कि भाई ऑफ रोडिंग करेंगे आपको दिखाएंगे भाई, लेकिन वहाँ पे ना हमें उस वक्त नीलगाय मिली नहीं। और गाइस ये है यहाँ पे बर्ड वॉच सेंटर, आप भाई वो लिखा हुआ देख भी सकते हो बर्ड वॉच सेंटर। और यहाँ पे भाई आए थे जो ये जगह ना साइड पे, तो इधर भाई जट प्रभजोत भाई आए थे जब अपना चल रहा था मतलब सब कुछ। और भाई एक तो यार यहाँ पे खड्डे में को ना एक बस टायर का डर है भाई, क्योंकि ना भाई टायर बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्म हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है यार, और उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई। इस साइड जो आप देख सकते हो अगर किसी ने भाई रोइंग वगैरह ज्वाइन करनी है, अगर कोई रोपड़ का ना जिसने रोइंग वगैरह ज्वाइन करनी हो तो भाई यहाँ पे आ सकता है, वो यहाँ पे होती है भाई रोइंग की ट्रेनिंग, आपको भाई वो जगह भी दिखा देते हैं। बट आपको यार यहाँ का ना बस सीन चेक करो भाई, मतलब हर जगह हरियाली हरियाली, ऊपर से खेत और ऊपर से मौसम ऐसा भाई। ये देख लो यहाँ पे लगा हुआ है पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का, ये है भाई यहाँ पे अपना रोइंग का सारा, यहाँ पे रोइंग वगैरह होती है। तो भाई यार एक तो ना मैंने शीशा तो खोले हुए क्योंकि ना यार ग्लव्स की जो ऊपर वाली ग्रिप है भाई ये टच हो जाती है मोड़ने के टाइम पे। भाई पहले तो मैं सही बताऊँ तो मैं पहले आने वाला था अकेला, लेकिन अब कुणाल भी साथ में है यार, पता नहीं क्यों भाई आजकल ना मतलब मन कर रहा है कि अकेला घूमो अपना भैया, अकेला एक्सप्लोर करो हर जगह को। जैसे भाई ये है यहाँ पे कटली पिंड है जो ये है भाई, चेक कर लो यहाँ से इसकी एंट्री है भाई। ये रोड ना मतलब बीच बीच में से होके जो कनोली का बाईपास वगैरह वहाँ पे भी निकल जाती है ये रोड, और यहाँ पे है भाई कटली का जो सनसेट पॉइंट है भाई यार। ये ना अब आपको भाई आगे का चेक करना, क्या ही मतलब आगे का जो नज़ारा है ना मतलब बहुत खतरनाक वाला, बहुत ही अच्छे वाला सुंदरता भरी हुई है। और भाई ये बोर्ड चेक कर लो जहांगीर इतने चकडेरा इतना, मतलब ना भाई ये जगह है ना जो सबसे शांत जगह, मतलब हमारे रोपड़ में अगर किसी को भी घूमना ना भाई तो यहाँ पे आओ, इतनी मतलब शांत जगह। और यहाँ पे भाई पेड़ ही पेड़, मतलब ना आजकल पता नहीं क्यों यार सुकून सा मिल रहा है यहाँ पे आके भाई, अगर अकेला किसी का मूड ख़राब होता है ना तो मतलब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना घूमने। तो भाई ये देख लो भाई यहाँ पे ये पुल भी बन चुके हैं अब तो, तो भाई ये जगह जो जाती है आलमपुर को है ठीक है। और भाई एक और आपको दिखा देता हूँ, मतलब हमने तो भाई ब्रिज पे चढ़ जाना है ऊपर, तो ये जगह है भाई जो इस साइड को है, ये भाई आलमपुर के गुरुद्वारे को जाती है जो मतलब मंदिर है वो देख सकते हो भाई आप, वहाँ पे मंदिर है आलमपुर का। और भाई ये सीन चेक कर रहे हो भाई साहब, वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ और बीच में रोड और यहाँ पर पिंड, तो मतलब भाई मतलब ना इतना सही एक तो आज का भाई रोमांटिक इतना मौसम बना हुआ है भाई, देख सकते हो भाई लोगों के घर मतलब ना जिनके घर भाई यहाँ पे कितनी इंजॉयबल है ना इनकी लाइफ, मतलब यार कह भी नहीं सकते कि इंजॉयबल है क्योंकि हम तो देखो जैसे शहर के बीच में से आए हैं तो हमें ये लगेगा भाई इंजॉयबल लाइफ है, बट जो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम किसी का भी स्ट्रगल कोई देख नहीं सकता, लोग बस कह देते हैं कि हाँ भाई इनकी लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है भाई जो स्टार है। और भाई ये यहाँ पे भी शमशान घाट भी आगे जाके भाई ये चेक करो यार आप भाई, दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक भी आपकी निगाह पड़ेगी ना यहाँ पे खेत ही खेत है। और भाई वो देख रहे हो भाई सूरज भी डूब रहा है, बट आज का ही सूरज निकला ही नहीं है,
और गाइस थर्मल पावर पॉइंट प्लांट है 5.5 किलोमीटर, लोधी माजरा 1 किलोमीटर पे है, पटियाला पिंड और चकडेरा भी आ गई है। लोधी माजरा को ये सड़क है। Take a moment right here, feeling like it's out here, driving to... अरे अरे भाई कुत्ते कहाँ से आ रहे हो बीच में। तो गाइस यहाँ पे है प्लेग्राउंड, देख रहे हो लोग मतलब खेल रहे हैं अपना, आराम से चिल कर रहे हैं। भाई ये पूरी जगह ना कह लो कि 10-15 किलोमीटर के बीच बीच में ही बनी हुई है, बट यार इतनी सही जगह है ना, कह लो कि भाई जिस बंदे ने एंजॉय करना ना अपने ही भाई यहाँ पे आ सकता है। और अगर आपको पता ही जैसे पिंडों में भाई मोटर लगी होती है, तो भाई इन मोटर्स का भी भाई अलग ही मजा अपना। और गाइस वो चेक कर लो भाई पहाड़, ओ मतलब भाई यार ये सीन ना कहीं पे शहरों में नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अरे यहाँ पे ना अगर आप पिंड में किसी भी पिंड में चल जाओगे तो भाई वहाँ पे मोटर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक जगह कहीं सूरज डूब रहा है उसके नीचे पहाड़ है, मतलब भाई गजब गजब गजब, कोई बयान नहीं कर सकता भाई इस सीन को। क्योंकि भाई आप तो देखो मैं सही बताऊँ कोई फ़ोन में देख रहा हो, कोई लैपटॉप में, कोई कंप्यूटर में, बट भाई हम देख रहे हैं लाइव। तो गाइस यार सबसे ना जो खूबसूरत पॉइंट है ना इस जगह का भाई, मेरे को ना जो मेरे को दिल से भाई सबसे बताऊँ ना जो दिल से जिस जगह से मेरे को प्यार है, तो भाई ये वाली रोड है। जैसे हम भाई आप जो भी बंदा भाई लेह लद्दाख देखता है व्लॉग्स वगैरह तो उसको तो पता ही होगा भाई ये रोड ना उस जगह को बयान करती है एक टाइप से, क्योंकि आसपास सारे खेत ही खेत आप देख सकते हो, चारों पास भाई खेत ही खेत दिखेंगे और एक स्ट्रेट रोड जिस पे कि आप भाई जितनी मर्जी स्पीड उठा सकते हो। और गाइस पीछे के साइड पीछे की साइड सारे मतलब पहाड़ ही पहाड़ हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस पेड़ है और आसपास सारे खेत ही खेत है, ये चेक कर लो। यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, एक तो भाई जाएगा सारा पिंड से जो विलेज की ओर से जाता है और जो कि भाई चक डेरा, और एक जाएगा भाई यहाँ से, हम भाई बारो बार से चलते हैं सीधा। और भाई जो थर्मल फैक्ट्री है वो पड़ती है भाई सीधा सामने, आप देख ही सकते हो कि वो रही भाई फैक्ट्री इधर की। तो वहाँ पे यार अभी ऐसे किसी को जाना अलाउड नहीं है सही बताऊँ तो भाई वो है यहाँ की फैक्ट्री थर्मल प्लांट। और गाइस आपको ना एक खूबसूरत सीन दिखाऊंगा भाई, बने रहना व्लॉग के साथ भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे वाला जो सीन है ना मतलब आगे आने वाला गाइस वो। तो गाइस इस पुल से ना आपको सीन दिखाऊंगा भाई, इतना मज़ेदार सीन है ना भाई। तो गाइस मेरा ना सही बताऊँ तो कैमरा भी बंद करने का जमा नहीं मूड कर रहा, क्योंकि भाई रास्ता तो बहुत लंबे हैं, बट भाई आपको पता है कैमरा बंद कर देना सारे भाई शॉट्स चले जाएंगे जो आपको दिखाने वाले हैं भाई। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं थर्मल, भाई वो चेक कर रहे हो भाई उसके पास जाना है हमने, अभी वाटरफॉल है भाई वो, तो उसके पास चलते हैं। यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई वाटरफॉल पे और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ का सीन ही है, चेक करो भाई मतलब भाई इतना सही आता है ना यहाँ का व्यू आपको। गाइस अभी आगे का भी दिखाते हैं भाई, ये चीज़ को बस इग्नोर करना है यहाँ पे भाई, ये मतलब यहाँ पे ना गायें वगैरह मज्जे वगैरह बहुत आती हैं, लोग सैर कराने लेके आते हैं भाई। अभी ये चेक करो बस, ये चेक करो गाइस। गाइस आप जब तक सिनेमैटिक शॉट्स चेक करना। तो गाइस आपने भाई सिनेमैटिक तो एंजॉय कर ही लिया होगा होप करता हूँ, और अभी जा रहे हैं भाई आपको गुरुद्वारा दिखाने, ये चेक कर रहे हो भाई। तो भाई यहाँ पे ना हम आते थे भाई पहले बहुत मतलब कम से कम 2-3 साल पहले आते थे, जब लॉकडाउन का टाइम था ना, जब भाई साइकिलिंग करने वगैरह आते थे तब हमने ये रास्ते देखे थे। गाइस इनके ना मतलब हॉर्न वगैरह नहीं मारते। हेलो हेलो मज्जू कैसे हो। और भाई ये देखो भाई प्लेग्राउंड बनाया हुआ है,
आपको बाहर से भाई गुरुद्वारे के दर्शन करा देते हैं। तो भाई बच्चे भी खुश हो चुके हैं। तो भाई देख लो भाई गुरुद्वारा भी चेक कर लो यहाँ पर। तो भाई यार ये चेक कर लो चांद बाबा कुमा माशकी। चलते हैं वापस। और भाई ये देखो भाई बच्चे आराम से अपना झूले झूल रहे हैं। भाई मेरे को ये पक्का भैंसे गाली देगी कि पहले तो भाई तू गया अब इधर से फिर वापस जा रहा है। ये देखो भाई गुस्सा गुस्सा मत करो दीदी। देख रहे भाई। तो भाई होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और गाइस कमेंट जरूर कर देना, चाहे हार्ट पा दो भाई। और भाई कमेंट चलो आज करके बता दो कि भाई हाँ आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं जो हमने पूरा रोपड़ आज का एक्सप्लोर किया है। मतलब पूरा तो नहीं किया, चलो यार 20% तो कर ही दिया है जो कटली वाली साइड थी सारी। बाकी भाई अगर आपको कोई चाहिए कि भाई हाँ पॉइंट को भाई जाके दिखाएं ठीक है अंदर से, तो भाई वो भी करेंगे हम ज़रूर। तो ब्लॉग को करता है यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लाइक गुड बाय। Take a moment right here, feeling like it's out here. Try